क्या हुआ जब 355 साल बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद के कुएं में मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। ये कुआं अपने अंदर कई राज समेटे हुए है जिसकी सच्चाई से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। परंतु शुरुआत करने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सच में इस मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर किया गया था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। पिछले कुछ दिनों से ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। इसी बीच काशी के रहने वाले राहुल नाम के एक लड़के ने अपने दादाजी से पूछा कि क्या सच में इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। उसके दादाजी एक धर्मशास्त्री थे और अपने जमाने में RSS के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जवाब देते हुए राहुल से कहा कि सन 1670 में औरंगजेब के कहने पर उसके गवर्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को निस्ते नाबूद कर दिया था, परंतु वे लोग शंभु ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। वहीं बाहर नंदीश्वर महाराज पर भी उन्होंने बहुत हथौड़े चलाए, परंतु वो हथौड़े नंदीश्वर महाराज पर बेअसर थे और वो सेना हार मानकर वापस लौट गई। परंतु मंदिर के जिस हिस्से को उन्होंने तोड़ दिया था वहीं पर उन्होंने अवशेषों का इस्तेमाल करके इस ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण कर दिया। राहुल ने अपने दादाजी से कहा कि ये सब बातें अफवाह भी हो सकती है। तब उसके दादाजी ने कहा कि इस मस्जिद के अंदर ही एक कुआं मौजूद है जिसके अंदर अगर खुदाई की जाए तो वहाँ बहुत कुछ सबूत मिल सकते हैं। और किसी भी इस्लामिक इमारत में कुआं नहीं होता, कुआं केवल मंदिरों में ही पाया जाता है। ये सच जानकर राहुल को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही किया गया था और अब वो किसी भी हालात में अपना हक लेना चाहता था। इसी बीच खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे के आदेश दिए हैं जिसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम भी निर्धारित की है। राहुल बखूबी जानता था कि सर्वे का क्या नतीजा निकलेगा, परंतु वो सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब सर्वे टीम ज्ञान व्यापी मस्जिद पर सर्वे करने के लिए पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे, नारेबाजी करने लगे और इस स्थान पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई। राहुल समझ चुका था मस्जिद के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने मुस्लिम शख्स का रूप धारण करा और किसी तरह से वो उस मस्जिद के अंदर चला गया। जब राहुल उस मस्जिद के अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ की जो नक्काशी थी वो पूरी तरह से एक मंदिर होने का दावा कर रही थी और उसका जो थोड़ा बहुत भाग था वो पूरी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही मेल खा रहा था। परंतु राहुल को तो उस कुएं के पास पहुंचना था जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था। थोड़ा और आगे जाने पर सचमुच में उसे वो कुआं दिखाई दिया। वो कुआं बहुत ही ज़्यादा गहरा था, परंतु नीचे जाने के लिए उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे राहुल उस कुएं के अंदर उतरा। वो कुआं उस समय पूरी तरह से सूखा हुआ था। वो नीचे उतरता उतरता उस कुएं के धरातल तक पहुँच गया, तभी किसी चीज़ से टकरा कर वो वहीं पर गिर गया। जब उसने उस स्थान पर अपने हाथों से थोड़ी खुदाई करी तो उसे एक हिंदू धर्म की मूर्ति प्राप्त हुई, परंतु उससे एक चूक ये हो गई कि वो अपना मोबाइल फ़ोन पुराने कपड़ों में भूल गया था। राहुल उस मूर्ति को देख ये तो समझ चुका था अगर इस कुएं में खुदाई की जाए तो बहुत सारे साक्ष्य सामने आ सकते हैं। खैर, उसे तो सिर्फ सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी, क्योंकि जो सच्चाई सचमुच में है वो तो सर्वे टीम के माध्यम से एक ना एक दिन तो बाहर आ ही जाएगी। जिसके बाद राहुल जैसे तैसे उस मस्जिद से पुनः बाहर आ गया। वो लोगों को उस बारे में बता रहा था, परंतु कोई सबूत ना होने के कारण कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। परंतु उसके दादाजी और उनके घर वाले जानते थे कि वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सत्य है। खैर, कुछ ही दिनों में हम सभी के सामने भी ये सच्चाई सामने आने ही वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।